हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिलीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे खुल्ला और तलाक मुबारक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो ये दोनों ही चीज जो है वो खुल्ला या तलाक मुबारक जो होती है वो मुस्लिम डिवोर्स का एक पार्ट है। मुस्लिम डिवोर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मुस्लिम मैरिज के बारे में बात करनी चाहिए। मुस्लिम मैरिज है क्या? मुस्लिम मैरिज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट के तीन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो है आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। ये मुस्लिम मैरिज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसे मैरिज में तीनों चीज इंपॉर्टेंस रखती है, उस सेम तरीके से अगर हम डिवोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये तीनों चीजों को देखा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या खुल्ला और मुबारक में ये तीनों चीज कहाँ पे आती है और कैसे ये किया जाता है। मुस्लिम डिवोर्स को अगर हम बोले तो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इसमें तलाक लेने का जो प्रोसेस जो होता है वो दो तरीका का होता है। एक तो होता है कि जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ के हिसाब से लेते हैं। अगर हम पर्सनल लॉ में भी मेन के बारे में बात करें तो मेन के पास में दो तरीका है। पहले तीन तरीका था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के और अभी जो रिसेंट एक्ट बने उसके साथ नोटिफिकेशन जो हुए उसके हिसाब से दो ही तरीका रह गया है। वह तलाक ए एहसन और दूसरा है तलाक ए हसन। तो ये जो तरीका है, दो तरीका, इसके थ्रू में जो पुरुष जो है वो तलाक ले सकते हैं। जो तीसरा तरीका था वो है तलाक बिदत, अब कैंसिल हो चुका है, क्या है सीधे भाषा में कहें तो इलीगल हो चुका है। ये दोनों तरीकों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, फॉर्मेट्स वगैरह सबके साथ में लिंक मैंने ऊपर डाला हुआ है, आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। पर आज हम इस दो तरीके के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं खुल्ला और तलाक मुबारक के बारे में। ये जो दोनों ही तरीके हैं, अगर हम मुस्लिम औरतों के बारे में बात करें तो कानून के हिसाब से या अगर हम कोई पर्सनल लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो खुल्ला ले सकते हैं। जैसा पुरुष को अधिकार है कि वो तलाक एहसन या तलाक हसन ले सकते हैं, उसी हिसाब से उसी तरीके से जो औरतें होती हैं उनके पास में अधिकार होता है खुल्ला लेने का, डिवोर्स लेने का। तो ये एक तो ये हुआ। दूसरी बात हुई तलाक मुबारक। अभी तलाक मुबारक क्या है? देखिए, तलाक हसन और तलाक हसन जो होता है वो पति ले सकता है, खुल्ला जो है वो औरत ले सकती है। अब अगर ये दोनों ही एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं तो वो तलाक मुबारक ले सकते हैं। जी हाँ, तलाक मुबारक जो होता है वो बेसिकली एक म्यूचुअल डिवोर्स होता है मुस्लिम लॉ के लिए। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि खुल्ला और तलाक मुबारक जो होता है उसमें बहुत सिमिलैरिटीज होती है और कभी कभी तो लोग कन्फ्यूज भी कर जाते हैं कि दोनों एक ही चीज है कि दो अलग नाम है। जी नहीं, ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। तो आज इन्हीं के डिफरेंसेस के बारे में हम बात करते हैं कि खुल्ला और तलाक मुबारक जो होता है उसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर हम खुल्ला की बात करें तो खुल्ला जो होता है ये बेसिकली औरतों का अधिकार है, मुस्लिम औरतों का अधिकार है तलाक लेने का। इसमें जो इनिशिएट करता है या जो बात करता है तलाक लेने की, मुझे तलाक चाहिए, वो औरत ही स्टार्ट करती है। वो काजी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे मेरे पति से खुल्ला चाहिए। ये बात काजी जो होता है वो उसके पति तक वो बात को पहुंचाता है। अगर पति, इसमें यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर पति एग्री करता है कि वो भी उसे तलाक देना चाहता है तो उसके बाद में कंसिडरेशन मतलब पैसों की बात होती है, बेसिकली जो मेहर होता है उसे लौटाने की बात होती है, और जो पति को कॉम्पोजिशन भी, पति को कॉम्पोजिशन मिलता है या कुछ पैसे की बातचीत होती है, और औरत जो है वो पैसा वो पति को देती है और उसके बाद में ये खुल्ला कंप्लीट होता है। खुल्ला का और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहता है कि इसमें पति जो है वो अपनी पत्नी के साथ में बहुत सारी चीजों को लेकर एक एग्रीमेंट भी करता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों की बात हो गई, बच्चों की कस्टडी की बात हो गई, आगे की मेंटेनेंस की बात हो गई कि दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, बहुत सारे कंडीशंस खुल्ला में होते हैं जो अगर पति एग्री करता है डिवोर्स देने के लिए तो वो कंडीशंस भी डाले जाते हैं और उसके बाद में खुल्ला होता है। तो ये मेजर इसमें चीज ये है कि खुल्ला जो इनिशिएट होता है वो औरत के द्वारा ही इनिशिएट होता है। इसमें पति की एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत होती है, जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो वो चीज नहीं होगी, ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस हुआ कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होती है, बीवी ने ऑफर किया, पति ने एक्सेप्ट किया, साथ में जो कंसिडरेशन उसके बारे में डिसाइड हुआ और उसके बाद में ही खुल्ला हो जाता है। खुल्ला के बारे में रिसेंटली केरला हाईकोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। वो ये कहा है कि खुल्ला का जो मेन कंपोनेंट था कि जो पति की परमिशन की होने की बहुत जरूरत होती है, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर पति परमिशन नहीं भी देता है, औरत फिर भी खुल्ला रहना चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन उस प्रोसेस के बाद में उसको जो कानूनी तरीका है, जो मुस्लिम मैरिज रिजोल्यूशन एक्ट 1939 जो है उसके तहत उसको कोर्ट में जाकर खुल्ला लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है
खुला में। अब हम बात करते हैं तलाक ए मुबारक के बारे में। तलाक ए मुबारक क्या है? तलाक ए मुबारक कुछ नहीं है, एक म्यूचुअल डिवोर्स है। जैसे हिंदू में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होती है अंडर सेक्शन 13B के तहत में, उसी जैसे मुस्लिम में भी म्यूचुअल कंसेंट होती है, जैसे पति और पत्नी दोनों ही एग्री होते हैं अपने आप एक दूसरे को डिवोर्स देने के लिए, क्योंकि दोनों ही म्यूचुअली एग्री होते हैं। दूसरी बात इसमें आ जाती है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, फॉर एग्जांपल बच्चे की कस्टडी कौन रखेगा, मेंटेनेंस की क्या बात होती है, प्रॉपर्टी की क्या बात होती है, विजिटेशन राइट्स क्या, तो बहुत सारे कंडीशंस जो होती है वो सारी ही चीज़ें एक तलाकनामा बनता है तलाक ए मुबारक में। और उस तलाकनामे में वो सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट तरीके से लिखी जाती है, वो दोनों ही पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती है अपने फ्री विल से, और उसके बाद में वो साइन करती है और काजी भी अपना साइन करता है और वो तलाकनामा या तलाक ए मुबारक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम देखें कुछ चीज़ें, जैसे कि अगर हम खुला की हम बात करें तो खुला में भी यहाँ पर एक एग्रीमेंट जैसा बनता है अगर पति एग्री हो जाता है, और जो हम तलाक ए मुबारक की हम बात करें तो उसमें तो ऑलरेडी एग्रीमेंट जो होता है, जो तलाकनामा अपने आप में एक एग्रीमेंट ही होता है बेसिकली। तो ये दो चीज़ जो होती है दोनों में सिमिलैरिटीज होती है, लेकिन जो सबसे मोटा डिफरेंस ये होता है कि इसमें खुला में औरतें स्टार्ट करती हैं और औरत जो होती है वो मांगती है डिवोर्स, मुबारक में दोनों पार्टी में से कोई भी इसको मांग सकता है, दोनों पार्टी दूसरे से ले सकती है। खुला में दूसरी बातचीत जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे फील हुई थी वो ये था कि इसमें जो कंसिडरेशन पार्ट होता है इसमें औरत आदमी को देती है, कॉम्पोजिशन जो होता है वो औरत आदमी को देती है अपना खुला लेने के लिए, लेकिन ऐसी कोई भी बातें तलाक ए मुबारक में नहीं होती है। कुछ लेन देन का जो भी हुआ वो आपस में ही रहा जाता है, ऐसा नहीं कि तुम मुझे डिवोर्स हो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, ऐसी कोई बातें उसमें नहीं होती है तलाक ए मुबारक में। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा ये जो वीडियो है तलाक खुला और तलाक ए मुबारक के बारे में अच्छा लगा है। मुझे भी इस बारे में रिसर्च करते बहुत अच्छा लगा था, बहुत मतलब मजा आया था, सीखने को मिला था बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी उसका आपको जवाब देने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।